ओ भाई जो भी छुट्टी पर गया है उसका शो एब्सेंट ऑफ वर्क ही आता है, पूरी बात बताओ। देखिए भाई, एक होता है आप अगर सऊदी अरब में मौजूद है और आपकी कंपनी आपको एब्सेंट फ्रॉम वर्क करे, आप इस तरीके से पाकिस्तान चले जाए तो आप कानूनी तौर पर दूसरे वीजे पर आप नहीं आ सकते, वर्क वीजे पे। एक तो ये एब्सेंट फ्रॉम वर्क है। एक आदमी यहाँ पर मौजूद था, छुट्टी पे गया, उसके बाद छुट्टी उसका ख़त्म हुआ, वापस नहीं आ सका। अगर आप सिस्टम में चेक कर तब भी आपका एब्सेंट फ्रॉम वर्क, क्योंकि मुतग़ी बैनुल अमल का मानना है कि आप काम पर मौजूद नहीं है। पहले ये होता था कि इस पर 3 साल की पाबंदी थी, यानी 3 साल आप नहीं आ सकते थे और छुट्टी भी आपने इसमें शुमार नहीं करना। लेकिन अभी 16 जनवरी के बाद ये कानून खत्म हो गया है और मैंने कल इस पे तफसील से वीडियो बनाया था कि इसका शर्त ये है, नंबर एक कि आपका छुट्टी खत्म होना चाहिए। छुट्टी आपका खत्म हुआ तब जाके आप दूसरे वीजे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बस यही है, यानी 16 जनवरी के बाद कोई आदमी छुट्टी गया उसके बाद उसका वीजा वहां पर एक्सपायर हो गया, यानी एग्जिट एंट्री का जो टाइमिंग है वो एक्सपायर हो गया, तब जाके अगर आपका वीजा छुट्टी एक्सपायर हो गया और आप नए वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तो आप पर 3 साल के पाबंदी का जो कानून है वो लागू नहीं होगा, आप दूसरे वीजे पे आ सकते हैं।